हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संजय कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। 21 फरवरी को होने वाले RSAT मुख्य एग्जाम के लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी है एग्जाम 21 फरवरी को, तो कोई भी स्टूडेंट इस मॉडल पेपर को देखना मिस ना करे, क्योंकि फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर के जरिए हम टॉपिक नंबर 1 से लगा के संपूर्ण RSAT यानी 16 चैप्टर के अंदर जो भी मैटर है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें से, वही क्वेश्चन आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से 3.5 घंटे की एक लाइव क्लास यानी बोर्ड पर क्लास ली गई थी, आप कह सकते हैं RSAT महामैराथन। फ्रेंड्स, 7 से 8 हज़ार व्यक्तियों ने, स्टूडेंट ने यहाँ पे कम से कम 8 से 9 दिन के अंदर देखा है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को वो वीडियो पसंद आया, तो फ्रेंड्स आप भी उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि 3.5 महीनों का कोर्स मात्र 3.5 घंटे के अंदर आपको जल्द से रिपीट हो सके। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट उस वीडियो को मिस ना करे। बढ़ते हैं इस मॉडल पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, कौन सा होगा फ्रेंड्स? इंटरनेट, इंटरनेट, अर्फानेट या नेटवर्क? तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा यानी नेटवर्कों का नेटवर्क, सूचना का सुपर हाईवे जो इंटरनेट होता है, वही फ्रेंड्स क्या होगा, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क होगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नंबर बी, इंटरनेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज इस मॉडल पेपर के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स बना रहिएगा वीडियो को एंडिंग तक, क्योंकि फ्रेंड्स इस मॉडल पेपर के अंदर से आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? फ्रेंड्स, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। डाउन की कर्सर, डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल के साथ में एंटर? फ्रेंड्स, इसमें से एंटर कीज भी नया दस्तावेज ऐड करवाती है, लेकिन आप एक बार में आप एंटर दबा के नया पेज ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब एंटर बटन दबाएंगे तो एंटर से फ्रेंड्स आप डॉक्यूमेंट के नीचे की ओर आ जाते हैं, और जैसे आप पूर्ण रूप से यानी डॉक्यूमेंट के सबसे अंतिम सिरे पे आ जाएंगे, तब आप एंटर दबा के आप नया दस्तावेज उसमें लागू कर सकते हैं। बट इसने पूछा है, सीधा पूछा कि एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कंट्रोल के साथ में एंटर दबाने से डायरेक्टली, भले आप पेज के सबसे ऊपरी सिरे पे है, कंट्रोल एंटर दबाने के बाद में आपके सामने उस पेज, उस डॉक्यूमेंट का एक नया पेज ओपन हो जाता है। मतलब आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में एंटर, यानी कंट्रोल एंटर की के माध्यम से आप दस्तावेज डॉक्यूमेंट में एक नया पेज दर्ज करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, स्कैनर खाली जगह स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या ये सभी? तो फ्रेंड्स, आपको याद है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। वो सॉफ्ट कॉपी पिक्चर के रूप में हो सकती है, टेक्स्ट के रूप में हो सकती है या डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकती है। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स नंबर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप स्कैनर के माध्यम से पिक्चर, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में आप कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट खाली जगह द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स खाली जगह द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सिंबल्स, लेबल्स, ग्राफ्स या आइकन? तो फ्रेंड्स, जो विंडोज का डेस्कटॉप होता है, इस पर एक एप्लीकेशन होता है और डॉक्यूमेंट के रूप में उसको खाली जगह के रूप में देखा जा सकता है। यानी फ्रेंड्स, आप इसको बोल सकते हैं आइकन, कह सकते हैं, जैसे रिसाइकल बिन, कंप्यूटर, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, ये सभी एक आइकन होते हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल होते हैं।
बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आपको कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मेमोरी का आपने अच्छे से पढ़ा होगा उस मैराथन क्लास के माध्यम से, पूरा आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा उसके माध्यम से। लेकिन मैं और भी बता देता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर ओनली फॉर एकमात्र ऐसी मेमोरी जो टेम्परली रूप से कार्य करती है वो तो होती है फ्रेंड्स रैम। बट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि आपको कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को कहते हैं, तो परमानेंट पूछा जा रहा है, नो कि यहाँ नहीं कि यहाँ पे आपको टेम्परली पूछा जा रहा है। टेम्परली पूछा जाता तो आप रैम को कर देते हैं, बट यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स परमानेंट। तो परमानेंट जो कंप्यूटर के अंदर, अब यहाँ पे जो दे रखे ऑप्शंस, इसमें से कौन सी मानी जाएगी? रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम फ्रेंड्स एक कंप्यूटर के अंदर वह मेमोरी जिसको स्थायी मेमोरी के रूप में देखा जा सकता है, एज ए परमानेंट मेमोरी के रूप में आप कह सकते हैं। बल्कि रैम होती है ये टेम्परली होती है, अस्थायी रूप से ही डेटा को सेव करके रखती है। जब तक आपके सिस्टम में लाइट है तब तक ये डेटा को सुरक्षित रखेगी, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो इसमें डेटा जो भी कार्य कर रहा था वो सारा समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोम हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे सीपीयू के मदरबोर्ड से बात हो रही है कि मदरबोर्ड के अंदर एक चिप होती है, प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर फ्रेंड्स कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसीलिए प्रोसेसर की वजह से ही सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है कि उस सीपीयू में एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड है। तो ए पे लिखा हुआ मेन मेमोरी, नंबर बी पे लिखा हुआ सेकेंडरी मेमोरी, नंबर सी पे लिखा हुआ डिस्क मेमोरी, और नंबर डी पे लिखा हुआ टैप मेमोरी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी हो जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि रैम वगैरह जो होती है वो जस्ट प्रोसेसर के पास में कनेक्टेड होती है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए मेन मेमोरी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, या प्रोग्राम मेमोरी में? तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब तक उसको मेंटेन करने वाली जो मेमोरी होती है वो आप मेन मेमोरी कह सकते हैं, और मेन मेमोरी के अंदर आपको अच्छा उदाहरण रैम को आप ले सकते हैं। यानी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर मेन मेमोरी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल ये बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन खाली जगह के रूप में स्टोर किया जाता है, एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा या वॉट्स डेटा? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन खाली जगह के रूप में स्टोर किया जाता है, एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा या वॉट्स डेटा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स डिजिटल डेटा। यानी आपके द्वारा जो कंप्यूटर में डेटा इंसर्ट करा जाता है उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर ही डेटा माना जा सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा डिजिटल डेटा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? डिजिटाइजर, मॉडेम, स्कैनर या कीबोर्ड? तो फ्रेंड्स अभी हमने आगे भी बात की है कि स्कैनर होता है ये फ्रेंड्स इसका कार्य करेगा, क्योंकि डिजिटल रूप में फ्रेंड्स कोई फोटो हो सकता है, कोई ड्राइंग हो सकती है, उसको कौन करेगा? यहाँ पे स्कैनर के द्वारा ही किया जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य की के साथ में कौन सी की प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विशेष टास्क को करने के लिए एक अन्य कीज के साथ में कौन सी कीज प्रयुक्त की जाती है? तो फंक्शंस
एरो, स्पेस बार या कंट्रोल। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल। फ्रेंड्स कोई विशेष टास्क को पूरा करने के लिए आप कंट्रोल की को दबाते हुए वो कार्य पूरा कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने लायक ये क्वेश्चन है। आप अभी से याद रखना कि विशेष टास्क को पूरा करने के लिए कंट्रोल की को यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेशन विंडोज का काम कर देते हैं? हाइपर टेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट या वेब ब्राउजर। तो फ्रेंड्स इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम आते ही आपको पता लगना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज के रूप में विंडोज 10 के अंदर संबोधित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर या वेब ब्राउजर जो भी पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है एक वेब ब्राउजर के रूप में ये कार्य करता है, यानी कि एक वेब ब्राउजर का उदाहरण माना जा सकता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। संक्षेप HTML का पूरा रूप है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या फिर हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट या फिर मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वेब सर्वर, वेब खाली जगह में एक से ज्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। वेब खाली जगह में एक से ज्यादा पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हब, साइट, स्टोरी या टेम्पलेट। तो फ्रेंड्स जो भी एक से ज्यादा जो वेब पेजेज होंगे वो फ्रेंड्स किस में होंगे? वेबसाइट के अंदर होंगे, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, वेबसाइट के अंदर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए खाली जगह के माध्यम से खरीदारी करना संभव है, ई वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई स्पेंड या ई बिजनेस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है खाली जगह, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी ऑनलाइन माध्यम से किसी वस्तु का खरीदना या बेचना जो भी होता है वो सब ई कॉमर्स के अंदर आता है, नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये बना हुआ है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसका पूरा नाम होता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो हेल्प मेन्यू होता है जिसकी शॉर्टकट कुंजी F1 होती है, तो फ्रेंड्स वो जो आपको मिलेगा वो आप स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हुए आप राइट हैंड साइड में आप इसका यूज कर सकते हैं हेल्प मेन्यू का, यानी इनमें से जो ऑप्शंस लिखा हुआ है उसमें से फ्रेंड्स आपको याद रखना है स्टार्ट बटन हो जाएगा। स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हुए आप राइट हैंड साइड पे कंट्रोल पैनल के जस्ट नीचे देखेंगे आप हेल्प मेन्यू को। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर खाली जगह में रख सकते हैं, माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स या माई टेक्स्ट। आप अपनी पर्सनल फाइल और फोल्डर्स कंप्यूटर के अंदर ऐसा कौन सा आइकन, कौन सा ऐसा फोल्डर है जहाँ से आप ये सब रख सकते हैं अपनी फाइल? तो फ्रेंड्स आपको सभी को याद होगा कंप्यूटर के अंदर एक माई डॉक्यूमेंट होता है, माई डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपने विशेष डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खाली जगह कहते हैं, बग, बाइट, एट्रीब्यूट या यूनिट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे खाली जगह कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बग, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई टेक्निकल इश्यू या टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है उसको फ्रेंड्स बग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को खाली जगह में बदलना है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को खाली जगह में बदलना है, वेबसाइट, प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट्स या सूचना। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक कार्य होता है वो डेटा को सूचना में बदलना होता है, नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ सकता है बिल्कुल आपके एग्जाम में। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुदेशों का सेट
जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है उसे खाली जगह कहते हैं, मैटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स अनुदेशों का सेट यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एज ए प्रोग्राम की बात हो रही है, नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अनुदेशों का सेट जो होता है वो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा, नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को खाली जगह कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ब्राउजर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स यानी जिसको हम सोच सकते हैं वो जो भी होंगे आपके हार्डवेयर कहलाएंगे, नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक जो भी आप लगे हुए हैं जिसको हाथ लगा सकते हैं उनको फ्रेंड्स फिजिकल कंपोनेंट्स या फिजिकल पार्ट्स कहा जाता है, यानी आप उसको फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के रूप में देख सकते हैं, हार्डवेयर होगा इसका राइट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर के ब्रेन का नाम खाली जगह है रोम, रैम, एएलयू या सीपीयू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है कंप्यूटर का ब्रेन तो सभी को आता होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। तो सीपीयू इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आप सभी को याद होगा अच्छे से। आपको याद रखना फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ रोम यानी रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, एक लिखा हुआ एएलयू जो गणितीय समीकरणों के लिए बना होता है कंप्यूटर के अंदर, एक ये एक आपको याद रखना है इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होगा फ्रेंड्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा एएलयू का पूरा नाम। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, कोल्ड बूट, वार्म बूट, शटडाउन या लॉगिंग ऑफ। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, यहां पे कहलाएगा फ्रेंड्स वार्म बूट हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नंबर बी वार्म बूट। फ्रेंड्स कंप्यूटर को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। बूटिंग प्रोसेस को एक्चुअली दो भागों में डिवाइड किया जा गया है, कोल्ड बूट वे कंप्यूटर जो ऑलरेडी पावरलेस है यानी पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूट कहलाता है, जबकि वे कंप्यूटर जो ऑलरेडी स्टार्ट है किसी कारणवश इसको रीस्टार्ट किया जाता है तो वो वाले फ्रेंड्स क्या कहलाएंगे, वार्म बूट कहलाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे खाली जगह कहते हैं, फैक्ट्स, फाइल्स, डायरेक्टरी या डेटा। तो फ्रेंड्स आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी यानी कि डेटा हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, कितने नहीं आ रहे हैं, आप हमारे साथ साथ में जितनी आपके मतलब आंसर देने की ट्राई करेंगे तो उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। भले ही आपका क्वेश्चन गलत हो लेकिन आप बाद में अनुमान लगा सकते हैं कि हमें इस मॉडल पेपर में से 35 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको अभी कितनी अभी तैयारी की आवश्यकता है कितनी नहीं है वो फ्रेंड्स आप पहले से परख सके। तो फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शंस को ऑर्डिनेट करता है और उसे उसका खाली जगह कहते हैं, रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। यानी कंप्यूटर का पार्ट्स जो उसके सभी फंक्शंस को ऑर्डिनेट करता है, उस सभी फंक्शंस को फ्रेंड्स कंट्रोल करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स ऑर्डिनेट करना, कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करना एज ए कंट्रोल यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से खाली जगह में रखा जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, रैम या सीपीयू। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से जो रखा जाएगा फ्रेंड्स वो रखा जाएगा फ्रेंड्स रैम के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स रैम वह मेमोरी है जो यूजर के कार्यों को करने में सहायता करती है, यानी जब तक यूजर काम कर रहा होता है तब तक उस डेटा को संभालने का कार्य फ्रेंड्स किसका होता है, रैम का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डेटा और प्रोग्रामों को एनकोडेड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर खाली जगह सिस्टम प्रयुक्त करते हैं, सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी या रैम।
तो फ्रेंड्स डेटा और प्रोग्रामों को एनकोड किया जाता है। कंप्यूटर फ्रेंड्स हमेशा जो होता है वो बाइनरी कोडिंग समझता है, जीरो और वन के रूप में कोडिंग के रूप में जान लेता है, आउटपुट इनपुट जो भी लेता है जीरो और वन के रूप में लेता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी यानी कि बाइनरी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी फ्रेंड्स किसका उदाहरण होगा, इसमें से हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, आउटपुट डिवाइस या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सीडी डीवीडी ये जो भी होते हैं फ्रेंड्स ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण माने जाते हैं। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका नंबर बी हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। डीवीडी का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, आप डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी इसको जान सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन से मीडिया में डेटा और जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है, कौन से मीडिया में डेटा और जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है, सीडी आर डिस्क, जिप डिस्क, सीडी आर डब्ल्यू डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क। तो फ्रेंड्स पुनः लिख के मिटाए जाने वाले यानी आर डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि नंबर सी पे लिखा हुआ है सीडी आर डब्ल्यू यानी रीराइटेबल हो जाएगा, नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बनने पे आपको याद रखना है कि सीडी के बाद में आर डब्ल्यू रखा हुआ है इसका मतलब रीराइटेबल है, और एक केवल सीडी के बाद में आर लिखा हुआ है, डीवीडी के बाद में केवल आर लिखा हुआ तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली फॉर रिकॉर्डेबल, जबकि आर डब्ल्यू दोनों लिखा हुआ तो रीराइटेबल हो जाएगा, जिसको पुनः कई बार लिख के वापिस मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या बोलेंगे, यानी क्या होगा, किस माध्यम से इसको आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या शिफ्ट क्लिकिंग। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हुए उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेक कर सकते हैं, यानी कि नंबर सी यहां पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। फ्रेंड्स एकदम इजी क्वेश्चन है, यानी आउटपुट जो बाहर निकालता है तो प्रिंटर होगा, प्रिंटर किसी कागज को बाहर निकालता है, यहाँ पे इसका राइट आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, प्रिंटर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इंटरनेट से सीधे, विंडो स्टोर से, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव से या वर्ड फाइल का उपयोग कर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है टॉपिक नंबर ये 15 से क्वेश्चन बना है कि विंडोज 10 होता है इसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किसका उपयोग नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के लिए, इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडो स्टोर से कर सकते हैं, सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर तो वहां से भी कर सकते हैं, बट डी पे लिखा हुआ यहाँ पे वर्ड फाइल, यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ड फाइल दे सकता है, एक्सेल फाइल दे सकता है, कोई भी अन्य दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये खुद एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसमें से आप नहीं कर सकते क्योंकि वर्ड फाइल एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है इन तीनों ऊपर वाले माध्यम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि वर्ड फाइल का उपयोग करते हुए आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबिन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर सीपी या दृश्यमान बना सकते हैं, होम, देखे, शेयर या ऊपर की कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि व्यू मेन्यू होता है, व्यू मेन्यू से ये कार्य किया जा सकता है, देखना चाहता तो व्यू का ही उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है, विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है, विंडोज डिफेंडर, कोर्टाना, फोल्डर लॉक या ऊपर के सभी विकल्प। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है विंडोज 10 पर फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने वाला फोल्डर लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, फोल्डर लॉक बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोल्डर लॉक के माध्यम से आप किसी फोल्डर के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि आपकी बिना अनुमति के उस फोल्डर को कोई खोल ना सके, सुरक्षित करने के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किसमें से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है,
630 MB, 4.7 GB, 9.4 GB या 13 GB। तो फ्रेंड्स 13 से ज़्यादा भी होती है, लेकिन 13 GB जो लिखा हुआ ये विकल्प यहाँ पे इससे मिलान नहीं खा रहा, ये इससे सीडी या डीवीडी के अंदर स्टोरेज का कोई सेट होता नहीं है। नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आपको काफी वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी सारे क्वेश्चन आपको इसमें से आते होंगे। आपके 21 फरवरी की एग्जाम के लिए हम अच्छी कामना करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर लिखा हुआ है एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है फ्लैट पैनल और लेजर, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, मेस मॉडल एंड कवर्ड, या इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स कभी भी पूछा जाए कि मतलब एलसीडी प्रोजेक्टर, ये एक प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के अंदर एक प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल रूफ एंड माउंटेड। फ्रेंड्स नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड हो जाएगा, बी वाला हमेशा आप राइट करना, क्योंकि एज इट इज इसी टाइप का अगर बनेगा तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नंबर बी। फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर सेंटर ने सबसे पहले मॉडल पेपर की सीरीज चलाना स्टार्ट किया था जब 31 जनवरी का एग्जाम पूर्ण हो चुका था और 21 फरवरी वालों के लिए एग्जाम के लिए काफी कम टाइम था। तो उस टाइम से फ्रेंड्स कम से कम 30 से ज्यादा मॉडल पेपर इस चैनल के अंदर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है आरएसआईटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस प्लेलिस्ट को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आज के बाद में जितने भी हम रोजाना मॉडल पेपर बनाते 2-3 वो तुरंत उस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सके। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि काफी सारे इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पूरा सिलेबस ही क्लियर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप उस मैराथन क्लास को अवश्य देखें जिसमें एक एक पॉइंट के बारे में संपूर्ण आरएसआईटी कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस मैराथन क्लास को भी अवश्य देखें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बन सके। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।